से के नागपुर व भंडारा सीमा से सटे कोलारी के नदी में कंपनी ने रसायन युक्त पानी छोड़े जाने से हजारों मछलियां तथा जलचर प्राणियों की मृत्यु हुई, साथ ही चार किसानों की धान खेती बाधित हुई। कोलारी से मेंढे गांव इस रास्ते पर कंपनी स्थित होकर इस कंपनी के साइड में कोलारी नदी बहती है। इस नदी में इस कंपनी का रसायन युक्त पानी छोड़े जाने से हजारों मछलियों और अन्य जलचर प्राणियों की मृत्यु हुई है, साथ ही चार किसानों की खेती बाधित हुई है। इस कोलारी नदी पर दो कंपनियां स्थित होकर इस कंपनी का पानी इस नदी में छोड़ा जाता है। यह नदी बारमाही होकर सामने जाकर पेनगंगा और बड़ी नदी को जोड़ी जाती है। सीओन कंपनी ने रसायन युक्त पानी छोड़ने से पानी प्रदूषण हुआ। संपूर्ण नदी का पानी यह सफेद हुआ है, साथ ही इस पानी पर रसायन युक्त साय उमटी है, जिससे इस पानी में रहने वाले जल प्राणी मृत हुए हैं। साथ ही यह पानी जानवरों को पीने के लिए उपयुक्त तो नहीं रहा। साथ ही नदी पर सैकड़ों किसान निर्भर होकर इस नदी का पानी खेती फसल को दिया जाता है, लेकिन यह रसायन युक्त पानी होने से फसलों को भी पानी किसान नहीं दे सकते। इसमें प्रमुखता से सागर दिलीप गावंडे, बाबा श्री कृष्ण गावंडे, दुर्वेश पुंडलिक गावंडे व अन्य किसानों की धान खेती में यह रसायन युक्त पानी जाने से पूरा धान जलकर नष्ट हुआ है, जिससे इन किसानों की हजारों रुपए की फसल नष्ट होने से वे आर्थिक संकट में है। इस बारे में किसानों ने कंपनी की ओर शिकायत दाखिल की, लेकिन शिकायत लेने से इनकार कर दिया गया। इसी के साथ शंकरपुर के पुलिस चौकी चिमूर के तहसीलदार ने भी यह शिकायत नहीं ली। इस बारे में कृषि विभाग ने शिकायत दाखिल करा ली है।